हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सी टैट लेवल टू, जिसको हम TGT बोलते हैं, सोशल साइंस का पेपर विद एक्सप्लेनेशन सोल्व करेंगे। ये पेपर 24/1/2023 को कंडक्ट किया गया था, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संगम साहित्य की रचना एवं संकलन किस नगर के सम्मेलनों में की गई थी। संगम साहित्य के ऊपर क्वेश्चन है कि कौन सा नगर है जिसमें इनका सम्मेलन हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी मदुरई हो जाएगा। संगम साहित्य की रचना एवं संकलन मदुरई नगर के सम्मेलनों में की गई थी। संगम जो है तमिल कवियों का एक सम्मेलन था, जो स्थानीय राजाओं के संरक्षण में आयोजित किया गया था। दक्षिण भारत में लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी, मतलब 600 साल तक का जो काल है उसको संगम काल के नाम से जाना जाता है। तीन वंश का शासन इसमें प्रमुख है, चेर, चोल एवं पांडे। और संगम काल में तीन सम्मेलनों का आयोजन किया गया था, तो पहला हुआ था मदुरई में, दूसरा कपाटपुरम में, तीसरा मदुरई में। पहले के अध्यक्ष थे ऋषि अगस्त्य, दूसरे के अगस्त्य, तीसरे के नकीरर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के बारे में जो है सही है। पहला है, बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, बिल्कुल सही है ये। बुद्ध ने अपना उपदेश संस्कृत भाषा में दिया था, ये गलत है। यहाँ पर पाली आना था, तो बुद्ध ने पाली में दिया था अपना पहला उपदेश। तो देखिए, जहाँ पर भी बी है उसको काट सकते हैं हम लोग। ये ऑप्शन कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, आपको आगे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बच गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, बुद्ध ने लोगों के दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी, सही है ये। बुद्ध मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के, मतलब जो हमारा आने वाला जीवन है ना, उस पर भी इफेक्ट डालेंगे हमारे जो कर्म है, जैसे हम लोग कर्म करेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, शाक्य गण के मुखिया थे। माँ का नाम माया देवी, और इनका लालन पालन जो है इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। 29 साल की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था। 6 साल की कठिन तपस्या के बाद बैसाखी पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसके बाद इनको ये बुद्ध कहलाए। और पहला उपदेश इन्होंने जनसाधारण की भाषा पाली में दिया था, और सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। और ये कथन यहाँ पर दो दिए गए हैं, दोनों यहाँ पर जो हैं सही हैं, सेम एज इट इज हैं। इसके बाद देखिए, कथन ए बी इनको पढ़ना है, सही विकल्प का चयन करना है। कथन है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के काम को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। ये बात बिल्कुल सही है, मतलब जो भूमि से संबंधित जो टैक्स लगता था वो स्टेट के अंडर में आ गया। आगे है, स्थानीय सामंतों द्वारा कर लगाने का अधिकार जारी रहा। जी नहीं, कर कौन लगाएगा फिर, राजा। तो यहाँ पर ए सही है, बी गलत है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा एवं दामाद था। 1296 में दिल्ली का सुल्तान बना था। बचपन का नाम गुरशास्प था इसका, और इसने भू राजस्व की दर को आधा कर दिया था, मतलब आधा आधा, आधा टैक्स देगा किसान, आधा अपने पास रखेगा। इसके शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के काम को राज्य ने अपने नियंत्रण में ले आया था। बेईमानी, बाजार में जो बेईमानी है उसको रोकने के लिए इन्होंने कठोर दंड के प्रावधान करे थे,
और इसके लिए मूल्य निर्धारण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। यहाँ पर ए सही है, बी जो है गलत है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अगला कथन है मणिमेखलई महाकाव्य के बारे में क्या चीज़ सही है ये हमें बताना है। तमिल में लिखा गया महाकाव्य है, सही है। सत्यनारायण ने लिखा है, ये बात भी सही है। इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है, ये बात भी सही है। 2500 वर्ष पहले लिखा गया, ये बात गलत है। तो देखिए, जहाँ पर डी उसको काट दीजिए, बी सी डी में है ये, इसको काट दीजिए, एक ऑप्शन बच गया, यही आंसर हो जाएगा। मणिमेखलई तमिल भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है, इसकी रचना मदुरई में हुई थी, सतनार कवि ने इसकी रचना की थी। इस महाकाव्य की रचना शिल्पादिकारम इसके बाद की गई। शिल्पादिकारम की कहानी जहाँ से ख़त्म होती है वहीं से इसकी स्टार्टिंग होती है, और इस महाकाव्य में कोवलन और माधवी इसकी बेटी की क्या है कहानी है। अहोम लोग वर्तमान समय के खालिस्तान से आकर ब्रह्म घाटी में बसे थे, मतलब जो ब्रह्मपुत्र की घाटी है उसमें कहाँ से आकर अहोम लोग बसे थे या आए थे, म्यांमार से, ऑप्शन नंबर बी। अहोम लोग वर्तमान समय के म्यांमार से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे हैं। अहोम भारत के उत्तर पूर्वी भाग की एक जनजाति है। उन्होंने मुइया या जमींदारों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को दबाकर नए राज्य का निर्माण किया था। आगे देखते हैं, 16वीं 17वीं शताब्दी के संबंध में सही कथन देखना है हमें। सूरत के संबंध में, सूरत के बारे में है ये, यह है पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था, बिल्कुल सही है। इसे मक्का का प्रस्थान कहा जाता था क्योंकि हज यात्री यहीं से जहाज में रवाना होते थे, ये बात भी सही है। आगे है, अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन के अनुसार किसी भी समय भिन्न भिन्न देशों के औसतन 5000 जहाज इस बंदरगाह पर खड़े देखे जा सकते थे, ये बात यहाँ पर गलत है। तो जहाँ पर भी सी है उसको हम लोग काट सकते हैं। तो तीन तो कट गए, एक ही बच गया, ऑप्शन नंबर है, यही इसका आंसर हो जाएगा। 16वीं 17वीं शताब्दी के समय सूरत एक बंदरगाह नगर था। प्राचीन काल में यह निम्न वस्तु एवं अन्य कामों के लिए प्रसिद्ध था। यह पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने का मुख्य द्वार था। इसे मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज के माध्यम से यहीं से रवाना होते थे। और वर्तमान की बात करें तो सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है, और वर्तमान में यह कपड़ा उद्योग, डायमंड कटिंग, पॉलिशिंग के लिए फेमस है। इसको सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। प्रचारकों ने सेरमपोर में एक मिशन खोला, उस समय यह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कंपनी के अधीन था। सेरमपोर मिशन बताना है कि किसके अंडर में था। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। प्रचारकों ने सेरमपोर पढ़ता था श्री रामपुर 1793 में, इसका नाम है दूसरा श्री रामपुर 1793 में बैप्टिस्ट मिशन जो शुरू किया गया था, उस समय यह क्षेत्र डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। इसे फ्रेडरिक नगर भी कहा जाता था। 1845 में इस पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। श्री रामपुर या इसका नाम है सेरमपुर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर, ये कहाँ पर है, ये है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है और हुगली नदी के तट पर ये है। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों का आदिवासियों की तरफ व्यवहार ऐसा था कि, तो देखिए यहाँ पर आदिवासी मुखियाओं ने गांव के समूह पर मालिकाना अधिकार पर बनाए रखा, ऑप्शन नंबर सी। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों का आदिवासियों की तरफ व्यवहार ऐसा था कि आदिवासी मुखियाओं ने गांव के समूहों पर मालिकाना अधिकार बनाए रखा। तो औपनिवेशिक काल में इस तरफ व्यवहार था, सेम ही लाइन है, इसको आप देख लेना।
कॉलम ए है और कॉलम दो है, इनका हमें मैच करना है यहाँ पर। ये बताना है कि ये मदरसा, स्कूल, कॉलेज, ये कौन सी चीज़ कब आई थी। तो देखिए, इसका जो कलकत्ता मदरसा, ये बना था 1781 में। मतलब ए मिलेगा 2 से, और ये एक ही ऑप्शन में है, बी में। इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कलकत्ता मदरसा 1781 में, बनारस संस्कृत कॉलेज 1789, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835, और वुड डिस्पैच 1854 में। गुलामगिरी एक पुस्तक जिसका अर्थ है गुलामी, किसने लिखी है। सही उत्तर दीजिए, ये काफ़ी इजी, आप सभी को पता होगा, ज्योतिराव फूले ने जो इसको लिखा है। गुलामगिरी एक पुस्तक जिसका अर्थ है गुलामी, यह पुस्तक 1873 में ज्योतिराव फूले के द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने अमेरिका अमेरिका के काले गुलामियों गुलाम जो थे उनकी स्थिति, और भारत में निचली जातियों के बीच, मतलब निचली जातियों के लोगों के बीच एक कड़ी स्थापित की थी। वह निचली जातियों के अपमान, मर्दों की दुर्दशा और उच्च जातियों की महिलाओं की दुर्दशा के बारे में चिंतित थे। राष्ट्रीय कला की छवि के संदर्भ में कथन ए और बी को पढ़िए। तो यहाँ पर कथन है, बंगाल में राष्ट्रीय कलाकारों का एक नया समूह अवनींद्रनाथ टैगोर के इर्द गिर्द जुटने लगा। तो ये सही है। दूसरा है, इस समूह के कलाकारों ने रवि वर्मा की कला को नकल आधारित और पश्चिमी रंग ढंग की कहकर खारिज कर दिया, और ऐलान किया कि इस तरह की शैली राष्ट्र के प्राचीन मिथकों और जनश्रुतियों को चित्रित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी है, ई भी यहाँ पर सही है। तो दोनों कथन जो है यहाँ पर सही हैं। राष्ट्रीय कला छवि के संदर्भ में बंगाल में राष्ट्र कलाकारों का एक समूह अवनींद्रनाथ टैगोर के इर्द गिर्द जुटने लगा। इस समूह के कलाकारों ने राजा रवि वर्मा की कला को नकल आधारित और पश्चिमी रंग ढंग की कहकर खारिज कर दिया, और ऐलान किया कि इस तरह की शैली राष्ट्र के प्राचीन मिथकों और जनश्रुतियों को चित्रित करने के लिए उपयोगी नहीं है। अतः कथन ए और बी दोनों यहाँ पर सत्य हैं। बी जो है ए की सही व्याख्या करता है। आगे देखिए, पंडित देखू मन में जानी, कहूँ धौ छूती कहाँ से उपजी, तब हई छूती तुम मानी। तो यहाँ पर देखिए, इसमें लिखा हुआ है, एक ही पाठ सकल बैठाए, छूती लेत धोखी काकी। तो यहाँ पर ये कुछ दिए गए हैं, इसमें देखिए करना क्या है। आपके विचार में शिक्षक को इस दोहे की व्याख्या छात्रों के समक्ष कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्पृश्यता का विचार एक सामाजिक रचना है तथा हमारे विचारों धारणाओं से निर्धारित होती है। ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शिक्षक को इस दोहे की व्याख्या छात्रों के समक्ष अस्पृश्यता का विचार एक सामाजिक रचना है और हमारे विचारों और धारणाओं से निर्धारित होती है, इस प्रकार जो है इसकी व्याख्या करनी चाहिए। आगे है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में मध्यम मार्गियों के नेता के रूप में आप निम्नलिखित में से किन विधियों को अपनाते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीयों पर हो रहे अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए शासकों से याचना करना। मतलब यहाँ पर पेटिशन होगा, होगी मतलब रूलर्स के आगे मध्यम मार्गियों के द्वारा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में
मध्यम मार्गियों के नेता के रूप में भारतीयों पर हो रहे अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए शासकों से याचना करना, इस विधि को यहाँ पर अपनाया जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल जो भारत ने स्वतंत्रता के बाद अपनाई है, वह किन से बना है? तो देखिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मिश्रित का मतलब मिक्सिंग है, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की भी और पब्लिक सेक्टर की भी। ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल जो भारत ने स्वतंत्रता के बाद अपनाया है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र से बना है। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार का स्वामित्व होता है और निजी के अंदर स्वामित्व जो सरकार का कम होता है। निम्नलिखित महाद्वीपों को आकार के अनुसार जो हमें अवरोही क्रम में लगाना है, दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, अंटार्कटिका है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवरोही क्रम में लगाना है, मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे। तो अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवरोही क्रम में लगेंगे ये, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, पर इन्होंने यहाँ पर क्या है, एशिया का नाम इन्होंने नहीं दे रखा है। फिर है दक्षिणी ध्रुव वृत्त, जो अंटार्कटिक सर्कल है, वो कहाँ पर है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा ग्लोब है, सेंटर से तो इक्वेटर है, ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा है और यह भूमध्य रेखा, और नीचे है मकर रेखा, और इसके नीचे यहाँ पे 66.5 साउथ में जो है, ये यहाँ पर ये साउथ है और ये ऊपर नॉर्थ का एरिया है, और ये 0 डिग्री है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव वृत्त अंटार्कटिका 66.5 डिग्री साउथ में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त दक्षिणी ध्रुव के मध्य के क्षेत्र को शीत क्षेत्र के रूप, यहाँ पर देखिए ध्रुवों पर तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, सारा साल जो है यहाँ पर बर्फ पड़ती है। आगे है, किसी स्थान विशेष पर समय की समझ एवं गणना करने हेतु निम्नलिखित में से किस पूर्व संप्रत्यय की आवश्यकता होगी? मतलब कहीं पे हमें टाइम की समझ और कैलकुलेशन करनी है, तो उसके लिए क्या कंसेप्ट जो है बच्चों को आना चाहिए, या हमारे को क्या कंसेप्ट जो है आना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा, स्थान विशेष का देशांतर, ग्रीनविच से तुलनात्मक दिशा और ग्रीनविच का समय, मतलब हमें वहाँ का उसका लोंगिट्यूड और टाइम के लिए जो है दिशा, और मतलब ग्रीनविच से उसकी तुलना, क्योंकि वहीं से हम लोगों ने क्या किया है, टाइम जो है वो मेजर किया, 0 डिग्री जो लोंगिट्यूड है वो ग्रीनविच लंदन से गुजरती है। तो इसका देखिए, किसी स्थान विशेष इसके समय की समझ व गणना हेतु स्थान विशेष का देशांतर और ग्रीनविच से उसकी तुलनात्मक दिशा, क्योंकि देखिए ये है 0 डिग्री लोंगिट्यूड ग्लोब पर, और ये ग्रीनविच से होकर गुजरती है। इसके देखिए ईस्ट में, मतलब इसके पूर्व में तो टाइम बढ़ता है, और इधर इसके पश्चिम में टाइम घटता है। अब भारत जो है वो इधर से मतलब पड़ता है, ये 66.5 डिग्री ईस्ट में पड़ता है, और आपको पता होगा प्लस 5:30, मतलब 5.5 घंटे का समय जो है वो भारत का इससे आगे है, मतलब पूर्व की तरफ जो है बढ़ता है टाइम। और ग्रीनविच पर समय पूर्व संप्रत्यय है, मतलब ये चीज़ें जो है कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा, ये चीज़ें आनी चाहिए पहले। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, इसका मतलब है 1 घंटे में 15 डिग्री। तो इस प्रकार जब ग्रीनविच पर 12 बजेंगे तो ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम में क्या टाइम होगा? देखिए ये है, यहाँ पर बजे हैं रात के 12,
ठीक है, रात के 12 बजे हैं, इधर हम जाएंगे तो इधर टाइम हमारा घटेगा, और कितने डिग्री पर घटाना है हमें, 15 डिग्री पर। 15 डिग्री हमें, मतलब 15 डिग्री पर बताना हमें, तो एक ही तो घंटे का फर्क आएगा, इधर 1 घंटा कम हो जाएगा, और इधर हम चलेंगे तो हर 15 डिग्री पर 1 घंटे का डिफरेंस आता है। जब यहाँ पर 12 बजे हैं तो वहाँ पर 1 घंटा कम हो जाएगा, 11 बजेंगे, और वो भी PM, रात की तो बजेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप इसको देख लेना, इसमें कुछ है ही नहीं। निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? तो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है ब्राजील का कंपोस, ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील में पाया जाने वाला कंपोस घास का मैदान उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अर्जेंटीना में पाया जाने वाला पंपास घास का मैदान शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय में आता है। ये जो है ये वाला, ये शीतोष्ण है। इसके बाद देखिए, जो स्टेपी है वो क्या है, सूखा मैदान है जो शीतोष्ण, ये भी शीतोष्ण के अंदर आता है। फिर दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो वेल्ड है, ये भी, ये तीनों के तीनों क्या है, शीतोष्ण है, शीतोष्ण कटिबंधीय है, मतलब यहाँ पर क्या है, ठंड ठंडे इलाके हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिए, लद्दाख के बारे में कथन दिए गए हैं, यहाँ पर हमें ये बताना कौन सा कथन जो है सही है। पहला, लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, सही बात है। आगे, लद्दाख कम ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी और शुष्क है। देखिए, लद्दाख कम लो अल्टीट्यूड पे है, आपको ही पता हो, एक पहाड़ी एरिया है, लो पे तो हो ही नहीं सकता, वो हाई पे है, और जलवायु शुष्क तो यहाँ की हो ही नहीं सकती, यहाँ तो बर्फ़ पड़ती है, तो ये बी तो जो है गलत हो जाएगा ना यहाँ पे, तो जहाँ पर भी बी है उसको काट दीजिए, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, दो ऑप्शन तो देखते ही कट गए हमारे, ये गलत है। अभी देखिए, लद्दाख में उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। ड्यू टू हाई एरिडिटी द वेजिटेशन इज स्पार्स इन लद्दाख। ये भी यहाँ पर जो है सही दिया गया, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ठंडा रेगिस्तान इसको बोलते हैं हम, ये तो भारतीय संसद द्वारा जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन अधिनियम आया था 2019 में, और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से जो हमने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया ना, तो इसके बारे में यहाँ पर दो कथन सही है, एक ठंडा रेगिस्तान है और उच्च शुष्कता के कारण यहाँ पर जो वनस्पति है वो विरल है, तो यहाँ पर ए और एक ये वाली सी वाली, ये दो सही है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, एक तरफ पृथ्वी की लेयर या परतें दी गई हैं, दूसरी तरफ उनके अंदर क्या कंटेंट, क्या मूल तत्व जो है पाया जाता है, तो यहाँ पर हमें ये बताना है सही सुमेलित कौन सा है, महाद्वीपीय सहिति के अंदर ये चीज़ पाई जाती है या नहीं पाई जाती, इस तरह से हमें यहाँ पर देखना है। तो देखिए, जो कंटिनेंटल मास है उसके अंदर सिलिका मैग्नीशियम नहीं पाई जाती, ओशियन क्रस्ट के अंदर सिलिका आयरन, ये भी नहीं, यहाँ पर एक ही सही है, कोर वाला। देखिए, क्रस्ट मेंटल कोर 3 लेयर होती हैं जैसे अर्थ की, तो कोर के अंदर निकल और लोहा पाया जाता है। अब देखिए, 1 मिनट, यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम लोग एक बार यहाँ से इनको हटा देते हैं, पढ़ते हैं इसको। पृथ्वी का केंद्रीय भाग जो है वो क्रोड या इसको कोर बोलते हैं, और यहाँ पर निकेल और लोहा, मतलब इस लोहे से बना होता है, इसका जो औसत घनत्व है वो 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है,
पृथ्वी का केंद्रीय भाग द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 16% भाग घेरे है। पृथ्वी की भूपरपट्टी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनी है। भूपरपट्टी के पश्चात जो क्रस्ट है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। पृथ्वी का मेंटल ये सेकंड नंबर मतलब क्रस्ट मेंटल कोर सबसे नीचे होती है। मेंटल में सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाए जाते हैं, इससे बना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर केवल एक सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मौसमी पवनों का उदाहरण है? मौसमी पवने हमें यहाँ पर बतानी है। तो जो मानसून आता है इंडिया के अंदर वो मौसमी पवनों का उदाहरण है, मतलब एक मौसम में ही तो आता है वो। भारत में जो मानसूनी पवने हैं वो मौसमी पवनों का उदाहरण है। यह मौसमी पवने जून में दक्षिण पश्चिमी मानसून के रूप में भारत में प्रवेश करती है और भारत के क्षेत्र में वर्षा करती है। भारत में अधिकांश वर्षा इन्हीं मानसूनी पवनों के माध्यम से होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पर इसको हमें हटाना पड़ेगा एक बार, क्योंकि यहाँ पर ये इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है, रीड द स्टेटमेंट मेड बाय स्टूडेंट ए बी सी। तीन स्टूडेंट हैं, उन्होंने तीन स्टेटमेंट दी हैं। आफ्टर ए जियोग्राफी क्लास ऑन, देखिए वाटर के ऊपर एक क्लास चली थी, उसके बाद बच्चों ने तीन स्टेटमेंट दी हैं। यहाँ पर करेक्ट वाली हमें छाँटनी है। पहली है वेव आर फॉर्म्ड व्हेन विंड स्क्रैप द वाटर अक्रॉस ओशियन सरफेस। मतलब जो वेव क्या बोलते हैं इनको, तरंगे, तरंगों का निर्माण होता है, बनती हैं जब हवा जो है वो स्क्रैप करती है वाटर अक्रॉस, मतलब जो समुंदर की जो सरफेस है उसके ऊपर का जो पानी है जब उसके ऊपर टकराती है या उसके ऊपर रगड़े खाती है, ये है। सेकंड है जो सुनामी है वो कोज होती है बाय विंड ब्लोइंग एट, जब हाई स्पीड की हवाएं चलती हैं तो सुनामी आती है। तीसरा है टाइड आर टाइप ऑफ वेव, ज्वार भाटा जो एक तरह की तरंगे हैं। तो यहाँ पर केवल ऑप्शन नंबर ए सही है। भूगोल की कक्षा के पश्चात विद्यार्थियों द्वारा जल पर बनाए गए कथनों के तहत जब तेज वायु सागर के पूरे सतह पर जल को रगड़ती है तो तरंग उत्पन्न होती है, ये बात सही है। मतलब देखिए हवा बिल्कुल तेज हवा चलती है जो पानी की जो ऊपर वाली सरफेस है उसके ऊपर, फिर जब वो रगड़े खाती है तो वहाँ पर लहरें या तरंगे जो है वो उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर केवल एक जो है वो सही है। यहाँ पर जो ये दिए गए थे, दूसरा कि भाई वायु चलने से सुनामी उत्पन्न होती है, ये ऐसा नहीं होता, सुनामी इससे नहीं आती है। और ज्वार भाटा तरंगों से उत्पन्न होता है, ये जो है ये कथन भी यहाँ पर गलत है। इनमें से कौन सा उद्योग फील्ड में विकसित हुआ? देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भेड़ पालन के कारण ऊनी उद्योग, ऑप्शन नंबर ए। भेड़ पालन के कारण ऊनी उद्योग वेल्ड क्षेत्र में विकसित हुआ। पशुपालन और खनन वेल्ड क्षेत्र में रहने वाले लोगों की दो प्रमुख गतिविधियां हैं, पशुपालन है और खनन है। वेल्ड क्षेत्र दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान क्षेत्र, ये वेल्ड क्षेत्र क्या है, ये क्या है, घास का मैदान है, घास के मैदान। कथन ए और आर पर विचार करना है, सही उत्तर का हमें यहाँ पर चयन करना है। पहला है कोलार की खाने, विश्व की गहरी खानों में से एक है, जो अयस्क के खनन में को बहुत खर्चीली प्रक्रिया बनाती है। जो कोलार की खाने हैं वो दुनिया की गहरी खानों में है और अयस्क के खनन को खर्चीला बनाती हैं, ये बात यहाँ पर सही है। भारत में कर्नाटक में सोने के निक्षेप हैं, मतलब कि कर्नाटका के अंदर
डिपॉजिट हैं गोल्ड के इंडिया के अंदर, ये बात भी यहाँ पर सही है। तो दोनों के दोनों यहाँ पर सही हैं, ए और बी। कर्नाटक के कोलार में भारत में सोने के भंडार हैं। यह विश्व की सबसे गहरी खानों में से एक है। यह अयस्क के खनन को बहुत खर्चीली प्रक्रिया बनाती है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश में 100 से अधिक स्थानों पर सोने के भंडार की पहचान की है, जिनमें से अधिकांश दक्षिणी राज्य कर्नाटक में है। अतः कथन ए और बी दोनों सत्य हैं। बायोगैस और ईंधन में समान लक्षण बताना है कि इन दोनों के अंदर समान लक्षण क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों हरित गृह प्रभाव का कारण बन सकती है, मतलब दोनों के दोनों कोज हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के। बायोगैस और ईंधन दोनों हरित गैस प्रभाव का कारण बन सकते हैं। हरित गैस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक गर्म कर देती है। इन गैसों में CO2 है, जल वाष्प है, मिथेन है आदि गैसें क्या हैं शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता गहन निर्वाह कृषि से संबंधित है? छोटे भूखंड और साधारण औजार, ये यहाँ पर सही दिया गया है। सघन क्षेत्र, जनसंख्या वाले क्षेत्र, ये भी सही है। अर्ध शुष्क क्षेत्र, ये नहीं है। अधिक धूप वाले दिनों में जलवायु, ये भी सही है। मतलब यहाँ पर ए बी और डी, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। गहन निर्वाह कृषि प्राय कृषि की एक पद्धति है। इसके तहत तो भूमि के प्रति क्षेत्र में उपज बढ़ाने के लिए अधिक धन, कीटनाशक दवाओं और श्रम का उपयोग किया जाता है। दिए गए कथनों में निम्न कथन विशिष्टता गहन निर्वाह कृषि से संबंधित है। छोटे भूखंड और जनसाधारण औजार, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से क्या विविधता नहीं है बल्कि असमानता का उदाहरण है? मतलब डाइवर्सिटी नहीं है जो कि अनइक्वालिटी यहाँ पर हमें शो करती है। देखिए धर्म का अंतर, मतलब अलग अलग धर्मों के लोग हैं, ये क्या है? ये डाइवर्सिटी है। भाषा का अंतर, ये भी डाइवर्सिटी है। आर्थिक स्तर का अंतर, ये डाइवर्सिटी नहीं है, इसका आंसर यही हो जाएगा। और खाद्य संबंधी आदतों का अंतर, ये भी मतलब किसी का खान पान कैसा है किसी का कैसा है, तो क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। तो जो आर्थिक स्तर का अंतर है वो विविधता नहीं है बल्कि असमानता का उदाहरण है। प्रीजुडिस, जिसको हम लोग पूर्वाग्रह बोलते हैं, मतलब हमारे माइंड में किसी के प्रति कोई नेगेटिव थॉट या कोई धारणा है कि भाई ये लोग तो ऐसे होते हैं, ठीक है। हमारे अंदर एक माइंड में एक उस इमेज बन जाती है किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी स्थान के बारे में। तो देखिए लोगों के बारे में नकारात्मक धारणा बनाना, ये होता है इसमें। लोगों को हीनता की दृष्टि से देखना, यह भी होता है। लोगों को एक ही छवि में बांधना है, यहाँ पर देखे एक छवि में हम लोग नहीं बांधते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के लोगों के प्रति अलग अलग हमारे अंदर जो है वो बनती हैं। ए और बी जो है यहाँ पर सही है। पूर्वाग्रह से तात्पर्य है कि लोगों के बारे में नकारात्मक राय रखना, लोगों को हीनता की दृष्टि से देखना। पूर्वाग्रह चीज़ों को सबसे पहले करने के एक तरीके को अत्यधिक महत्व देना होता है, और इसे सबसे अच्छे तरीके से करने की आग्रह विधि है जो दूसरे लोगों को समान नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन सा
कानून भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है, मतलब इनमें से कौन सा कानून जो है जो भारतीय संसद ने इसको पारित नहीं किया है। तो ये है राजद्रोह का कानून, ऑप्शन नंबर ए, शेडिशन एक्ट। राजद्रोह का कानून भारतीय संसद के द्वारा पारित नहीं किया गया है। इसे धारा 124 ए के तहत 1870 में जेम्स स्टीफन के द्वारा पेश किए एक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। राजद्रोह भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के तहत एक अपराध है। राजद्रोह से तात्पर्य जब कोई व्यक्ति शब्दों द्वारा या तो बोले गए या लिखित या संकेतों द्वारा या दर्शा प्रतिनिधि या असंतोष को उत्तेजित करने का प्रयास करता है, तो यह क्या एक गैर जमानतीय अपराध है। कथनों को पढ़ना है, उसके बाद यहाँ पर हमें आंसर करना है। एक राज्य को वस्तु एवं सेवा कर, जिसको जीएसटी बोलते हैं हम लोग, जीएसटी, इसके वितरण से संबंधित विवाद दो राज्यों के बीच का मामला है। एक राज्य के वितरण से संबंधित विवाद दो राज्यों के बीच विवाद का मामला है। आगे है नदी के जल के बंटवारे से संबंधित विवाद दो राज्यों के बीच का मामला है। देखिए जीएसटी जो है, इसमें आपको भी पता होगा कि इसमें स्टेट का जो है कोई रोल नहीं होता, ये सेंटर लगाती है, तो इसमें ए तो हो ही नहीं सकता। जहां पर ए है हम लोग उसको काट सकते हैं। बी जो है वो सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आप सभी को पता होगा एक मुद्दा है पंजाब हरियाणा सरकार के बीच में नदी को लेकर के, पंजाब और हरियाणा को लेकर के, और ये SYL है, मतलब सतलुज यमुना लिंक के ऊपर, मतलब इनके पानी के ऊपर जो है एक विवाद है। और एक साउथ में भी है, एक तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में है, एक कावेरी जल विवाद है, वो दो स्टेट के बीच में है। तो एक बार हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा सारी स्क्रीन को ही क्लियर कर लेते हैं। चलिए, जो जीएसटी है एक इनडायरेक्ट टैक्स है, 1 जुलाई 2017 से ये लागू किया गया था। राज्य को जीएसटी के वितरण से संबंधित विवाद केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद का मामला है। देखिए यहाँ पर दो राज्यों के बीच का ही मामला है ही नहीं, एक ये हो सकता है भाई, एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, दूसरी तरफ जिस किसी स्टेट का मुद्दा ये हो सकता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत नदी के जल के बंटवारे से संबंधित विवाद, ये दो राज्यों का मामला है। यहाँ पर एक जो है गलत है, बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के शहरों के प्रवासी मजदूरों को दर्शाती है, मतलब जो प्रवासी मजदूर हैं उनको दर्शाती है, लेबर चौक, ऑप्शन नंबर बी। लेबर चौक शब्दावली भारत के शहरों के प्रवासी मजदूरों को दर्शाती है। प्रवासी मजदूर वे लोग होते हैं जो अपने राज्य से बाहर किसी दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाते हैं। फिर देखिए पुटिंग आउट सिस्टम बताना, एक दातन व्यवस्था है, ये क्या व्यवस्थाएं होती है। ये होती है कि व्यापारी और बुनकरों के बीच की एक व्यवस्था होती है। व्यापारी जो है वो बुनकरों को माल दे देता है, उसके बाद जो है तैयार माल इसमें उससे लेता है। देखिए दादन व्यवस्था व्यापारी एवं बुनकरों के बीच की एक व्यवस्था है, और इस व्यवस्था को यूरोपीय जो व्यापारी हैं उन्होंने कपड़ा व्यापार के विस्तार के लिए इसको शुरू किया था। इसके अंतर्गत होता क्या है, छोटे किसान और कारीगर इनको कपड़े से संबंधित सामान बनाने के लिए अग्रिम धनराशि प्रदान की जाती है। भारत में लोकतंत्र पर कथन दिए गए हैं और यहाँ पर हमें सही बताना है। तो देखिए यहाँ पर कथन है पहला, एक मिनट रुकिए। लोकतंत्र मुक्त एवं
निरपक्ष, निरपक्ष का मतलब है किसी का पक्ष ना लेना, चुनाव पर आधारित होना चाहिए। सही बात है, ये तो बिल्कुल सही है। आगे है, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जनता द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास होना चाहिए। बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए कि वो जो मतलब ऑफिशियल है, सरकारी बाबा, उनके पास नहीं, जनता ने जो लोग चुने हैं उनके पास होना चाहिए। यहाँ पर दोनों के दोनों सही हैं, ए बी और बी बी, तो यहाँ पर इसका सी आंसर हो जाएगा। भारत ने लोकतंत्र, भारत में आएगा यहाँ पर, भारत में लोकतंत्र से तात्पर्य सरकार के एक ऐसे स्वरूप से है जिसमें लोकतंत्र मुक्त और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए। इसके अंतर्गत लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं, सभी को वोट डालने का अधिकार होता है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जनता के पास होता है क्योंकि जनता ही संप्रभु होती है। जनता के द्वारा चुने गए व्यक्ति संसद और विधानमंडल में किसी विषय पर निर्णय लेते हैं। यहाँ पर कथन ए और बी दोनों के दोनों सत्य हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन करिए। ए है, रोनित के अंकल चाहते हैं कि वह अधिक अंक अर्जित करे, उसके पास नौकरी प्राप्त करने के अच्छे अवसर हो। आगे है, लक्ष्मी लाकड़ा 27 साल एज है, भारतीय रेलवे में पहली महिला इंजन चालक बनी है। तो रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ने का काम किसने किया है? इसने, क्योंकि यहाँ पर फीमेल हैं और वो मतलब पहले जो है चालक बनी है, तो बी यहाँ पर सही है। रोनित के अंकल चाहते हैं अच्छे मार्क्स ले, नौकरी मिले, तो यहाँ पर कोई रूढ़िवादिता की बात यहाँ पर नहीं हुई है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में स्वास्थ्य के अधिकार को किस मौलिक अधिकार के तहत? ये देखिए, ये हमारा इसका सी हो जाएगा, जो जीवन जीने का अधिकार है वो इसी के अंडर में है। ये भारत में स्वास्थ्य के अधिकार को जीवन जीने के अधिकार के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता मिली है। भारतीय संविधान के अंतर्गत यह है अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत आता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक ही है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। एक यहाँ पर जो संपत्ति का अधिकार था उसको जो है हटा दिया गया है, उसको अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है सीटेट के अंदर, संपत्ति का अधिकार। एक वो हिंदू एक्ट पूछा जाता है जिसमें महिलाओं को जो है अपने पिता की संपत्ति में अधिकार दिया गया है, वो भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार एवं नीति निदेशक जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्थापित करना चाहते हैं। मतलब ये क्या चीज, इनमें से क्या चीज जो है स्थापित करना चाहते हैं? राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, कल्याणकारी राज्य है, पुलिस राज्य। देखिए यहाँ पर पुलिस तो नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर डी यदि हम काट देते हैं तो यहाँ से 3 कट जाते हैं, एक ही बच जाएगा, फिर तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसे भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से इसको अडॉप्ट किया गया है, और इन अधिकारों में राज्य के विरुद्ध न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है, और इनको आयरलैंड से लिया गया है। इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, इन्हें न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार एवं नीति निदेशक तत्व निम्न नियम स्थापित करना चाहते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य। भारत के उच्चतम न्यायालय का मुखिया
कौन होता है? ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग भी बता सकते हैं। जो मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस होता है, वही मुखिया होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत के उच्चतम न्यायालय का मुखिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, CJI होता है। भारतीय संविधान में एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के उपबंधों का उल्लेख है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 124(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वर्तमान में जो उच्चतम न्यायालय है उसके अंदर 33 न्यायाधीश हैं और एक मुख्य, मतलब 34 हो गए टोटल, ये 33+1, ये CJI हो गया, इससे अलग 33 और हो गए। जो मिड डे मील है, मिड डे मील स्कीम, सबसे पहले कौन से स्टेट में जो है इसको लागू किया गया था? तो इसको तमिलनाडु में सबसे पहले लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा 15 अगस्त 1995 से जो है इसकी शुरुआत की गई थी, और तमिलनाडु से इसकी शुरुआत हुई थी। सितंबर 2021 में मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदल करके प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कर दिया गया। इस योजना के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक स्तर या सरकारी और सरकारी सहायता से प्राप्त जो प्राथमिक विद्यालय, उनमें जो बालक हैं और जो यहाँ पर बालिकाएं आएगा ना, नहीं ठीक है, ये भी बाल वाटिकाएं जो हैं, मतलब जिनके अंदर छोटे बच्चे पढ़ते हैं, जो प्राइमरी लेवल के हैं, उनको गर्म पके हुए भोजन जो है उनको वितरित किया जाएगा। आगे है, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु भारत सरकार कई योजनाओं का विकास एवं क्रियान्वयन कर रही है। मिड डे मील जो है उसके द्वारा किस सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश जो है वो की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोल 02, लक्ष्य 02। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु भारत सरकार कई योजनाओं का विकास एवं क्रियान्वयन कर रही है। मध्याह्न भोजन योजना के तहत वह सतत विकास लक्ष्य 02 को पूरा करने की कोशिश कर रही है। सतत विकास से अभिप्राय कि वर्तमान पीढ़ी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों, देखिए हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह से प्रयोग करना है ताकि जो आने वाली पीढ़ी है वो भी उसका यूज कर सके, ठीक है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का जो कम से कम क्षरण हो सके। सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। सामाजिक विज्ञान में आकलन का उद्देश्य, मतलब हम लोग आकलन करते हैं तो आकलन क्यों करते हैं इसका कारण बताना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी है, जो विद्यार्थियों की जो ग्रहण क्षमता है तथा अधिगम को समझना और उसकी जीवंत वास्तविकताओं को जोड़ने का आकलन, मतलब हम लोग ये देखना चाहते हैं भाई बच्चों ने क्या कुछ सीखा है, कितना चीजों को समझा है। सामाजिक विज्ञान में देखिए आकलन के कुछ उद्देश्य दिए गए हैं यहाँ पर, इसके अंदर 6 उद्देश्य यहाँ पर लिखे हुए हैं और भी बहुत ज्यादा हैं। शिक्षार्थियों को प्रतिक्रिया देना और उनके लिए मानक निर्धारित करना ताकि वे बेहतर शिक्षण परिणाम प्राप्त कर सकें। आगे है, विद्यार्थियों के ग्रहण क्षमता अधिगम को समझने और उनकी जीवंत वास्तविकताओं को जोड़ने को आंकना, अपने आसपास में होने वाली विभिन्न घटनाओं को विस्तार से समझना, समीक्षात्मक जांच कर उस पर प्रश्न करते हुए विद्यार्थियों में आलोचनात्मक जागरूकता का संवर्धन करना, शैक्षिक योजना के बारे में विश्वसनीय निर्णय लेना, एक बच्चे की वृद्धि के शैक्षिक और अशैक्षिक दोनों पहलुओं को आंकना। निम्न में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के विश्लेषण कौशल का आकलन करते हैं, मतलब जो एनालाइजिंग स्किल है लर्नर की उसको यहाँ पर ये मापते हैं या उसका आकलन करते हैं?
यहाँ पर तीन प्रश्न हैं, इनमें से कौन से जो हैं प्रश्न यहाँ पर सही हैं। सहारा रेगिस्तान में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, ये एनालिसिस नहीं होगा। सहारा रेगिस्तान में दिन में गर्मी होती है, मतलब दिन में बहुत गर्मी होती है, तब भी लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, ऐसा क्यों? कारण व उपयुक्त उदाहरण स्पष्ट करिए। ये यहाँ पर एनालाइजिंग स्किल है, मतलब विश्लेषण की जो कौशल है उसको आंक रहे हैं। आज का सहारा कभी हरा भरा मैदानी इलाका हुआ करता था, इस तरफ की सच्चाई की जांच आप कैसे कर सकते हैं, ये भी तो यहाँ पर बी सी ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, ये आंसर हो जाएगा। अधिगमकर्ता के विश्लेषण कौशल, ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में आपने पढ़ा होगा, इसका अंदर जो कोग्निटिव है, यहाँ पर देखिए तीन आती हैं उसके अंदर, कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, ये आपने जेबीटी या बीएड जो भी किया आपने उसमें पढ़े होंगे। संज्ञानात्मक क्षेत्र में एक बच्चा ज्ञान से संबंधित होता है और इसलिए वह निर्माण निर्माण करना, मूल्यांकन करना, विश्लेषण करना, अनुपयोग समझना, ये देखिए उसके अंदर होते हैं कोग्निशन के अंदर। तो ये दो क्वेश्चन हैं जो इसका विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण कौशल को आंकते हैं। ये निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के संप्रत्यय को प्रयोग में लाने के कौशल का आकलन करते हैं, मतलब जो अप्लाइंग स्किल है लर्नर की उसको एसेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तटों का निर्माण कैसे होता है, इसको छोड़ दीजिए, ये दोनों आ जाएंगे। मनुष्य अपने आसपास के वातावरण को कैसे बदलता है, अपने अवलोकन उदाहरण दीजिए। यहाँ पर एक छोटा किसान कर्ज में डूब जाते हैं, आपके अनुसार सरकार उनकी सहायता करने के लिए क्या कर सकती है, चर्चा कीजिए। बी और सी ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग देख लेना यहाँ पर इसमें सेम ही चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको इन तीनों का पता होना चाहिए, सीएपी का, कोग्निटिव, तीन पहलू होते हैं ना उसके, अफेक्टिव और साइकोमोटर, इसके अंदर भी कुछ पॉइंट आते हैं, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, आप लोगों को एक बार देख लेना है। रूब्रिक्स है, इसके बारे में कथन दिए गए हैं, ये आकलन में विश्वसनीयता को बढ़ा देते हैं, आकलन में पारदर्शिता को बढ़ाते हैं, आकलन में व्यक्तिपरकता को घटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा, सारे के सारे यहाँ पर सही दिए गए हैं। रूब्रिक्स विद्यार्थियों के आकलन के लिए एक दिशा निर्देश है, मूल्यांकन से पहले उन्हें छात्रों को सबसे अच्छी तरह स्पष्ट किया जाता है। प्रभावी रूब्रिक्स विद्यार्थियों को इस बारे में पारदर्शिता प्रदान करते हैं कि उनका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, आकलन पर क्या अपेक्षा की जाए और सीखने में अगले कदम प्रदान करें, इसकी कुछ विशेषताएं दी गई हैं रूब्रिक की। यह छात्रों के प्रदर्शन को भिन्न भिन्न श्रेणियों में आकलन करने हेतु, वर्ग विभाजन हेतु तथा तो समग्र पदक्रम के अंकन के लिए प्रयोग किया जाता है। ये आकलन में विश्वसनीयता को बढ़ा देते हैं, ये आकलन में पारदर्शिता को बढ़ा देते हैं, ये आकलन में व्यक्ति प्रकता को घटा देते हैं। तो तीन तो यहीं पे हो गए, चौथा ये आप लोग इसको भी देख लेना। एक प्रोजेक्ट वर्क है उसमें असेसमेंट करनी है, तो कैसे हम लोग असेसमेंट कर सकते हैं, एक परियोजना कार्य में आकलन करनी है तो आकलन कैसे की जा सकती है, मौखिक मतलब ओरल प्रेजेंटेशन से, रिटर्न रिपोर्ट से, दोनों तरीके से की जा सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आंसर हो जाएगा। तो किसी भी परियोजना के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में परियोजना, इसका सतत अनुसरण या मूल्यांकन एक आवश्यक गतिविधि है। परियोजना कार्य में आकलन मुख्यतः दो रूप में किया जा सकता है, मौखिक प्रदर्शन द्वारा, लिखित रिपोर्ट द्वारा, यह दोनों ही एक परियोजना कार्य के आकलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
आकलन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उस जानकारी की व्याख्या और उपयोग है जो उसके इच्छित उद्देश्य के लिए एकत्रित की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी सोर्स है, मतलब द्वितीयक स्रोत हमें बताना है। यहाँ पर हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए, इनमें इंफॉर्मेशन का प्राइमरी सोर्स होता है जो डायरेक्ट होता है, और जो किसी माध्यम के जरिए ली जाती है तो वहाँ पर सेकेंडरी होता है। समाचार पत्र में प्रकाशित एक किताब की समीक्षा, यही है यहाँ पर। देखिए, पहला ही ऑप्शन मिल गया। हम लोग क्या कर रहे हैं, यदि किताब से जानकारी लेते हैं तो प्राइमरी, अब उसकी जानकारी दे रहा है अखबार, मतलब इसकी जानकारी ये दे रहा है, तो यहाँ पर यही इसका आंसर हो जाएगा। अब यूक्रेन के चित्र, बमबारी का चित्र देख रहे हैं, प्राइमरी सोर्स है। राजा रुद्र दमन के गिरनार पत्थर पर अंकित अभिलेख, ये भी प्राइमरी सोर्स है। विभाजन के उत्तरजीवी की आपबीती, ये भी, जो पार्टीशन हुआ था, मान लीजिए किसी के ऊपर कुछ कोई घटना बीती है तो उससे हम लोग जानकारी ले रहे हैं, तो ये तीनों के तीनों क्या है, ये प्राइमरी सोर्स हैं। तो सेकेंडरी यहाँ पर एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सूचना सामग्री और संगठनात्मक स्तर के दस्तावेजी के आधार पर तीन स्रोत बनाए गए हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक। द्वितीय स्रोत में सूचना को एक निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित और संगठित किया जाता है। द्वितीय स्रोत के अंतर्गत समाचार पत्र में प्रकाशित किताब की समीक्षा, सार सेवाएं, अनुक्रमण सेवाएं, प्रगति की समीक्षा, ग्रंथ, मोनोग्राफी, ये आती हैं। कक्षा में स्थानीय ज्ञान को समाविष्ट करने में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए निम्नलिखित मामले चिंता का विषय होना चाहिए, मतलब जो लोकल नॉलेज है बच्चे की, उसको उसके लिए मतलब क्या क्या चीज़ें जो हैं टीचर को सोचनी चाहिए भाई लोकल नॉलेज देने के लिए। स्रोतों की प्रामाणिकता सही है, पाठ्यक्रम के लिए प्रासंगिकता ये भी सही है। दी क्वांटिटी ऑफ एग्जाम्पल ये नहीं होना चाहिए था यहाँ पर, तो जहाँ पर भी सी आपको काट दीजिए, मतलब उदाहरण गिनते थोड़ी ना देगा टीचर, ये यहाँ पर सही नहीं है। ये भी सही है, रुचि उत्पन्न करना, तो बच गया यहाँ पर एक ही ऑप्शन, ये आंसर हो जाएगा। देखिए, सामाजिक विज्ञान शिक्षक उन विषयों में निर्देशन प्रदान करते हैं जो सामाजिक अध्ययन के शीर्षक के अंतर्गत आते हैं। यह व्यापक शैक्षिक श्रेणी है जिसमें अन्य विषयों के अलावा इतिहास, वर्तमान घटनाओं, सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक शामिल हैं। इस विषय को पढ़ाने का उद्देश्य राष्ट्रीय अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय समझ का ज्ञान, मतलब इसका विकास करना है। कक्षा में स्थानीय ज्ञान को समाविष्ट करने में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए निम्न मामलों में चिंता करनी चाहिए। स्रोतों की प्रामाणिकता, पाठ्यक्रम के लिए प्रासंगिकता, रुचि उत्पन्न करना। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षा के सही आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए गहन चिंता का विषय हो सकता है? तो देखिए, लर्नर सेंटर्ड जो है या चाइल्ड सेंटर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, मतलब जब हमें मतलब सामाजिक विज्ञान शिक्षा का आयोजन करना है तो वहाँ पर बच्चों को ध्यान में रखकर जो आयोजन होना चाहिए। अधिगमकर्ता केंद्रित से सामाजिक विज्ञान शिक्षा के सही आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए गहन चिंता का विषय हो सकता है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में वास्तविक जीवन की स्थितियों पर शिक्षण को आधारित करना विषय को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका होता है। अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य
में बच्चे वास्तविक अनुभवों के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ रूप से सीखते हैं, इसीलिए सामाजिक विज्ञान को सीखना सबसे प्रभावी है यदि इसे बच्चे के सामाजिक अनुभव से, मतलब बच्चे के एक्सपीरियंस से, जो सोशल एक्सपीरियंस है उनसे जोड़कर पढ़ाया जाएगा तो क्या होगा, ये इफेक्टिव होगा। आगे है सामाजिक विज्ञान में खुली पुस्तक परीक्षा की क्या सार्थकता है। जो खुली पुस्तक परीक्षा है उसको पढ़ाया जाता कराया जाता है ताकि बच्चे रटने की प्रवृत्ति से बच सके, मतलब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। खुली पुस्तक परीक्षा से तात्पर्य है छात्रों को परीक्षा के समय पुस्तक अपनी साथ रखने, देखिए इसमें क्या करते हैं बच्चे किताबों में से देख के ही लिखते हैं, पर टाइम भी तो कम होता है ना, वो ही बच्चा ढूंढ कर लिख सकता है जिसने बुक को पढ़ा हो, उसे देखने की अनुमति होती है। इस परीक्षा में देखिए प्रश्नों के उत्तर देते समय परीक्षार्थियों को पुस्तक से सहायता लेने की सुविधा यहाँ पर दी जाती है। खुली पुस्तक परीक्षा सामाजिक विज्ञान में शिक्षार्थियों के उच्च क्रम की संज्ञानात्मक क्षमताओं का आकलन करती है। सामाजिक विज्ञान में खुली पुस्तक परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य प्रतिक्रिया और आलोचनात्मक कौशल को आंकना, यह परीक्षा विषय वस्तु को रटने से दूर रखती है। हाशिए वाले समूहों के जिन मामलों का सामना किया है, मतलब जो मार्जिनल ग्रुप है इसके जो समूह हैं उन्होंने जिन मामलों का सामना किया है उन पर संवेदनशीलता और जागरूकता प्रोत्साहित किया जा सकता है, मतलब इनको प्रोत्साहित किया जा सकता है। कैसे? हाशिएकरण में योगदान देने वाले कारकों की पहचान करके, बिल्कुल विद्यार्थियों से हाशिएकृत समुदायों की पहचान करवाने के लिए, बिल्कुल विवादास्पद मामलों को छोड़ देना चाहिए ताकि विद्यार्थियों की भावना आहत ना हो, ये यहाँ पर नेगेटिव है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर नेगेटिव है, ये यहाँ पर ए और बी जो है इसका सही आंसर है। हाशिए वाले समूह ऐसे समूह होते हैं जिनके पास प्रतिष्ठित छात्रों की तुलना में पर्याप्त संसाधन नहीं होते। छात्रों के इन समूहों के साथ जाति, रंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। हाशिए वाले समूह ने जिन मामलों का सामना किया है उन पर संवेदनशीलता और जागरूकता को निम्न रूप से प्रोत्साहित किया जा सकता है। हाशिकरण में योगदान देने वाले कारकों की पहचान करने के द्वारा विद्यार्थियों से हाशियाकृत समुदाय की पहचान करवाने के द्वारा। निम्नलिखित तो उदाहरणों में से कौन सा उदाहरण आप विज्ञापनों पर परिचर्चा में रूढ़िबद्ध लैंगिक चित्रण को श्रेष्ठ चुनौती देने के लिए देंगे, मतलब जो रूढ़िवादिता है या कोई लैंगिक धारणा है, मतलब कि भाई ये काम आदमी ही कर सकता है या ये काम औरत ही कर सकती है, इसको हमें चुनौती देनी है। एक कार बेचान में गाड़ी चलाती महिला, ये यहाँ पर सही है। आगे देखिए तेल बचाने में खाना बनाता पुरुष, ये भी यहाँ पर सही है। वैसे खाना कौन बनाता है, लेडीज बनाती है, पर यहाँ पर पुरुष बना रहा है तो ये मतलब यहाँ पर एक चुनौती हो गई। एक डिटर्जेंट में ये वहाँ पर महिला यूज करती है, ये दे रही, ये यहाँ पर नेगेटिव है, मतलब डिटर्जेंट की आप ऐड देखेंगे तो यदि लेडीज से कराई जा रही है तो एक तरह से जेंडर बाइसनेस ही हो गई। और वस्त्रों के बेचने में यहाँ पर देखिए काम करती हुई ये महिला है, ये भी यहाँ पर नहीं आ, तो इसका ए और बी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है ये दो यहाँ पर हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड वाले। लैंगिक रूढ़िबद्धता से तात्पर्य स्त्री या पुरुष, लड़का या लड़की के व्यवहार एवं भूमिका से संबंधित समाज का वह सामान्यीकरण जो प्राय गलत चित्रण के कारण होता है। स्त्री पुरुष से संबंधित विशेष व्यवहार व कार्यों को समाज द्वारा परिभाषित करना और इन्हें विशेष कार्य और भूमिकाओं की अपेक्षा करना, सुसंगत न होने की स्थिति में उनको टोकना, विचारों में सुधार करने को
लैंगिक रूढ़िबद्धता कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक कार बेचैन में गाड़ी चलाती महिला, एक परिष्कृत तेल बेचैन में खाना बनाता पुरुष, ये दोनों के दोनों क्या है, जो रूढ़िबद्ध लैंगिक चित्रण है इसको क्या कर रहे हैं, चुनौती यहाँ पर दे रहे हैं। कक्षा में अखबार पढ़ाने का उद्देश्य हो सकता है, मान लीजिए एक टीचर है वो बच्चों से अखबार पढ़वाता है, तो उसका उद्देश्य क्या, मतलब क्यों पढ़ाया जा सकता है। पहला है समाचार और रिपोर्ट के आधार पर विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करना, बिल्कुल यही इसका आंसर हो जाएगा। पुस्तकों को पढ़ाने की एक रास्ता तोड़ना ये नहीं होगा, भार कम, शिक्षकों को अपना भार कम करना ये भी नहीं होगा, सनसनीखेजों से वाकिफ करवाना बच्चों को ये भी नहीं होगा। कक्षा में अखबार पढ़ाने का उद्देश्य समाचार और रिपोर्टों के आधार पर विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करना है, छात्रों को समाचार पत्र पढ़ने से विभिन्न लाभ मिल सकते हैं, जैसे अखबार पढ़ने से उनकी जो शब्दावली, जो वोकैबलरी है वो बढ़ जाएगी, यहाँ तक कि अर्थशास्त्र के छात्र, हिंदी भाषा के छात्र, राजनीतिक विज्ञान के छात्र, विभिन्न विषयों के छात्र जो हैं उनको अखबार में नए नए शब्द मिलते हैं, इसे पढ़ने से लेखन और पढ़ने के कौशल में क्या है, सुधार आता है। आगे है ग्रामीण स्कूल में पंचायती राज एवं ग्रामीण प्रशासन के थीम से परिचित करते समय विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त संदर्भात्मक अधिगम गतिविधि, मतलब गांव में जो पंचायती राज है, ग्रामीण प्रशासन है, इससे अवगत कराना है बच्चों को, तो क्या यहाँ पर हम लोग एक्टिविटी करवा सकते हैं। ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है। देखिए अब क्लास के अंदर हम लोग गांव का सरपंच बुला लें और वो अपने एक्सपीरियंस बताएगा, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ पर अब लेख लिखवाना या कोई वृत्त चित्र दिखाना या विद्यार्थियों के विचार पूछना, ये सबसे बेस्ट है यहाँ पर ये है। ग्रामीण स्कूल में पंचायती राज तथा ग्रामीण प्रशासन के थीम से परिचित करते समय विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त संदर्भात्मक अधिगम, कक्षा में अपने अनुभव को साझा करती एक सरपंच गतिविधि हो सकती है, क्योंकि अधिगम केवल किताबी ज्ञान के माध्यम से ही नहीं बल्कि अनुभवात्मक अधिगम द्वारा भी सीखा जाता है। यदि एक सरपंच स्वयं बच्चों को अपने अनुभव द्वारा साझा कराती है, अनुभव साझा कराती है, तो जो अधिगम क्षमता है वो और बढ़ जाती है। कक्षा में दृष्टि बाधित विद्यार्थी हैं, उनको शैक्षणिक के रूप से हमें शामिल करना है, तो क्या सबसे बढ़िया होगा। सप्ताह में एक दिन निर्धारित कीजिए जब सभी बच्चे केवल श्रवण सामग्री का उपयोग बच्चों को करना होगा, क्या ये सही है। केवल वाला तो वैसे भी ज़्यादातर केस में गलत हो जाता है, इसको काट दीजिए। आगे है जब आप कक्षा को पढ़ा रहे हैं तब विद्यार्थियों को, उस विद्यार्थी की देखभाल, बच्चे से थोड़ी ना कहेंगे कि भाई जिसको कम दिखता है उसकी तो देखभाल कर, ये भी नेगेटिव है यहाँ पर। आगे है कक्षा को नियमित मौखिक संकेत देना और विद्यार्थियों को सोचने, कल्पना करने या उत्तर देने के लिए कहना, ये यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन देखिए, अलग कक्षा में लाना, अब उसको हम लोग बच्चे को अलग थोड़ी ना कर सकते, किसी को मान लीजिए कम दिखता है या कोई विजुअल से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग अलग थोड़ी ना कर देंगे, फिर ये समावेशी शिक्षा का पार्ट नहीं होगा, वो तो उसको हम लोग विशेष शिक्षा में आ जाएगा फिर वो तो। कक्षा में दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को शैक्षणिक रूप से शामिल करने के लिए कक्षा को नियमित मौखिक संकेत देने और विद्यार्थियों को सोचने, कल्पना करने या उत्तर देने के लिए कहने जैसी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। दृष्टिबाधित छात्रों को कक्षा में सफल होने का समान अवसर देने के लिए इन्हें बोर्ड के पास वाले कमरे के सामने बिठाएं, स्पर्शीय ग्लोब या ब्रेल लिपि का प्रयोग करें, कक्षा में प्रकाश की उचित व्यवस्था बनाएं ताकि उनको समस्या न हो। विद्यार्थियों को स्वच्छता कार्य, इसके ऊपर जो है हमें अवगत कराना है और संवेदनशील बनाना है, तो कौन सा शिक्षण जो है, कौन सा तरीका यहाँ पर देखिए सही होगा।
देखिए व्याख्या करना, लेक्चर देने से काम तो नहीं चलेगा कि अभी बच्चे स्वच्छता के बारे में सीख जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन देखते हैं, भूमिका निभाना। आगे है बातचीत के लिए ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करना जो यह काम करता है। ये सही है। अब जो आदमी मतलब मान लीजिए कोई हाउसकीपिंग का काम करता है, उसको बुला के हम उसकी विचार जानेंगे, उससे पूछेंगे, तो सही है ये। और आगे है वृत्तचित्र पर देखें, एक डॉक्यूमेंट्री दिखा सकते हैं हम लोग स्क्रीन पर, उसके बाद डिस्कस कर सकते हैं, ये भी सही है। रोल प्ले और डिबेट यहाँ पर ये सही नहीं होगा, तो इसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों को स्वच्छता काम पर अवगत और संवेदनशील बनाने के लिए शिक्षण के निम्न तरीके जो अपनाए जा सकते हैं। बातचीत के लिए ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करना जो यह काम करता है, ये सही है। वृत्तचित्र पर्दे पर दिखाना, चर्चा करना, ये सही है। बच्चों को उचित हाथ धोने की प्रथा का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सही है। संगीत, नाटक और स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के जरिए लोगों को स्वच्छता के प्रति अवगत कराना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों के नेतृत्व कार्यों को पढ़ाते समय एक शिक्षक को मतलब इनमें से क्या करना चाहिए, देखिए। सिर्फ पाठ्यपुस्तक, देखिए जो सिर्फ या ओनली केवल, ये तो आप लोग वैसे भी काट सकते हैं कि भाई केवल यही काम करना चाहिए, इससे नहीं हो सकता। छात्रों में नेताओं के प्रति निराशा, कटुता पैदा थोड़ी ना करनी है हमें, बच्चों किसी के अंदर गलत भावना थोड़ी ना पैदा करनी है किसी लीडर के प्रति। आगे सभी नेताओं के योगदान का गुणगान, अब गुणगान करना ये भी नेगेटिव है। स्थानीय नेताओं के प्रासंगिक उदाहरण, ये सही है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व कार्यों को पढ़ाते हुए एक शिक्षक को स्थानीय नेताओं के प्रासंगिक उदाहरण देना चाहिए ताकि बच्चे उनकी कार्यकुशलता को समझ सके। एक राष्ट्रवादी आंदोलन राजनीतिक या सांस्कृतिक या दोनों हो सकता है। यह दोनों की पूर्ण व्याख्या स्थानीय नेताओं द्वारा ही समझा जा सकता है क्योंकि वह इन दोनों चीज़ों से गुजर चुके हैं। वह अपने अनुभव के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में समझाते हैं, इसलिए शिक्षक ऐसे नेतृत्व कार्यों के उदाहरण का उपयोग करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा या कौन से तरीका या तरीके कक्षा में समानता को बढ़ाने और प्रोत्साहित करने के लिए जरूरी हैं? तो पहला है समावेशित माहौल स्थापित करना, सही है। अधिगम शैलियों और अक्षमताओं को समायोजित कर लेना, ये भी सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बोथ ए और बी जो है यहाँ पर करेक्ट है। समावेशित माहौल स्थापित करने व अधिगम शैलियों और अक्षमताओं को समायोजित करके कक्षा में समानता को बढ़ाने व प्रोत्साहित करने में मदद मिलती है। शिक्षा में समानता का अर्थ है कि सभी विद्यार्थियों को समान पहुंच तथा जाति, वर्ग, प्रदेश, धर्म, लिंग, अक्षमता आदि के भेदभाव के बिना समान अवसरों की प्राप्ति हो। इसी समानता को बढ़ावा देने के लिए समावेश शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। इस शिक्षा में हर प्रकार के छात्र छात्राएं बिना असमानता के समान शैक्षिक अवसर प्रदान करते हैं। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा चित्र चर्चा शुरू करने के लिए जो है उपयुक्त होगा? हमें ये बताना है कि स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका है, तो यहाँ पर कौन सा चित्र जो है वो सही होगा।
सरकारी अस्पताल का चित्र सही है ये, एक मोहल्ले की साफ सफाई का, बिल्कुल साफ सफाई का और स्वास्थ्य का संबंध है, और पौष्टिक आहार युक्त थाली का चित्र। तो यहाँ पर तीनों ही सही है, ऑप्शन ए बी सी जो यहाँ पर सही है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य में सरकारी की भूमिका पढ़ाने के लिए सरकारी अस्पताल का दृश्य है, एक मोहल्ले के साफ सफाई की स्थिति और पौष्टिक आहार युक्त एक थाली का चित्र चर्चा शुरू करने के लिए उपयुक्त होगा, क्योंकि बच्चों की सामाजिक पृष्ठभूमि को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सचित्र चर्चा करने से बच्चे सहज रूप से एवं रुचिपूर्वक सीखते हैं। यहाँ पर विकल्प डी सही है, मतलब ए बी सी यहाँ पर सही है। भूगोल एक ऐसी विद्या विशेष है जो मनुष्य और उसके वातावरण के बीच एक संवाद का अध्ययन करता है। उपरोक्त कथन के लिए निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा जो है वैध है, ये हमें यहाँ पर बताना है। कथन व्यवहारिक रूप से गलत है, ये नहीं है। कथन लैंगिक भेदभाव है। कथन परिपूर्ण है। वातावरण शब्द को प्रतिवेशी से बदल देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर है ना, इसके अंदर एक जेंडर बाइसनेस है। इसके अंदर यहाँ पर जो ये लिखा हुआ ना, जो मेन वर्ड है, वो इस कारण जो है यहाँ पर जेंडर बाइसनेस है। भूगोल एक ऐसी विद्या आएगा यहाँ पर विशेष है जो मनुष्य और उसके वातावरण के बीच एक संवाद का अध्ययन करता है। कथन लैंगिक भेदभाव पूर्ण है। उपरोक्त वैध कथन है। लिंग पुरुष और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्भीक अंतर इसको दर्शाता है। यह पुरुष और स्त्री के गुणों, व्यवहार, भूमिकाओं, जिम्मेदारियां और क्षमताओं को संदर्भित करता है जो समाज कायम रखता है। यहाँ एक पक्ष को अवसर से वंचित कर दिया जाता है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए दो कथनों पर ध्यान दे और सही का यहाँ पर चयन करना है। फर्स्ट कथन है, सामाजिक विज्ञान मानवीय मूल्यों के निर्माण की आदर्श जिम्मेदारी वहन करता है। ये बात जो है यहाँ पर बिल्कुल सही दी गई है। आगे है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन को विद्यार्थियों में विवेचनात्मक, नैतिक एवं मानसिक ऊर्जा को प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जिससे वे विद्यमान सामाजिक वास्तविकताओं से सजग रहे। ये बात भी यहाँ पर सही है। तो इसके अंदर दोनों कथन जो है सही दिए गए हैं, फर्स्ट भी और सेकंड भी। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। कथन पहला देखते हैं, सामाजिक विज्ञान मानवीय मूल्यों के निर्माण की आदर्श जिम्मेदारी वहन करता है। यह सही है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र, मतलब इस क्षेत्र का जो मुख्य उद्देश्य है, बच्चों में नैतिक मूल्य, आदर्शवादिता, सामाजिक जिम्मेदारी, कुशल व्यवहार करने की क्षमता को स्थापित करना, इससे है। कथन दूसरा है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन को विद्यार्थियों में विवेचनात्मक, नैतिक एवं मानसिक ऊर्जा को पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जिससे वे विद्यमान सामाजिक वास्तविकताओं से सजग रहे। सही है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत समस्त सामाजिक मूल्यों को सहजता से स्थापित किया जाता है। तो यहाँ पर विकल्प डी सही है, दोनों के दोनों कथन जो है सही है। तो इस वीडियो के अंदर हमने 24/1/2023 को सीटेट टीजीटी सोशल साइंस का जो पेपर हुआ था, उसके हमने 60 क्वेश्चन यहाँ पर किए हैं। इससे पहले भी हमने काफ़ी सारी वीडियो अपने चैनल के ऊपर डाली हुई है,
आप लोग उन क्वेश्चंस को भी पढ़ सकते हैं, उन वीडियोस को आप लोग वॉच कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट जरूर डालिएगा।